राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य कमलेश गौतम छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, जहां वे कई जिलों का औचक निरीक्षण कर विभागीय कार्यों की समीक्षा करेंगी। विभाग की महत्वाकांक्षी छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे भारत में दम तोड़ रही है। योजना के क्रियान्वयन के लिए भारी भरकम बजट के साथ ही सभी राज्यों के सभी जिलों में विशेष टीम भी बनाई गई है, फिर भी नतीजा नहीं के बराबर है। इस योजना को पटरी पर लाने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाएगी, इसके लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य कमलेश गौतम से खास बातचीत की सुराज संवाददाता सत्य राजपूत ने। महिला बाल आयोग के सदस्य जो हैं इस वक्त तो छत्तीसगढ़ के दौरे में हैं और राजधानी रायपुर में हैं, तो उनसे जानते हैं। मैडम, आप छत्तीसगढ़ के दौरे में हैं, क्या एजेंडा है आपका यहाँ? पहली चीज तो मैं राष्ट्रीय महिला आयोग से हूँ, बाल आयोग, बाल विकास आयोग भी इसमें ऐड है। प्रॉपर हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग से जो नीति आयोग के अंतर्गत हमारी जितनी भी योजनाएं लागू की गई हैं स्टेट और केंद्र से जो भी है, तो वो प्रॉपर तरीके से नीचे जो भी हमारे इसके हकदार हैं उनको मिल रही कि नहीं मिल रही, इस संदर्भ में ऑल 5 डिस्ट्रिक्ट में विजिट करने के लिए आए हैं। किस तरह की समीक्षा मीटिंग होगी? आप मीटिंग नहीं है मेरा, ओनली विजिट है। प्रॉपर सरप्राइज विजिट भी मैं अटेंडम कुछ और भी कर सकती हूँ, बट जो मेन प्रॉपर है मेरा जितनी भी हमारी योजनाएं हैं वो प्रॉपर तरीके से हैं, लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा और अब तक कितना मिल चुका है। जो जैसे कि आप लोग की योजना काबिले तारीफ है, महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए जो असंरक्षित अधिनियम 2005 लागू किया गया था ये काबिले तारीफ है। इसके संचालन के लिए जो टीम बनाई गई है, हर राज्य के हर जिले में टीम बना के बैठाई गई है, किस तरह से काम कर रही है, कितने मामले आए हैं, कोई लगभग कोई ऑथेंटिक आंकड़ा मिल पाए? अभी इससे पहले मैं रायपुर आई थी जनसुन वाई के अंतर्गत, लगभग 47 केसेस लेकर आई थी, उसमें से काफी कुछ केसेस क्लोज हो गए थे और कुछ लोगों को समझौता कराकर उन्हें एक प्रॉपर तरीके से फैमिली को ऐड कर दिया गया था। इसी तरह से ऐसे केसेस आते रहते हैं और बेहतर ये होता है कि अगर सामंजस्य से फैमिली उनकी सेटल हो जाती है तो सो गुड, बट नहीं होता है अगर किसी ने सच में उनके साथ बहुत ज्यादा की होती है उसके खिलाफ कार्रवाई कर। कैमरामैन रेखा के साथ सत्य राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।